नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल शौर एकेडमी में। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे और आने वाले एग्जाम्स की तैयारी लगन और मेहनत से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम मैथ अर्थमेटिक का टॉपिक टाइम एंड वर्क डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को आसान तरीके से और कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देखेंगे। तो आइए चलिए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। समय और कार्य के बीच में क्या संबंध है, आइए चलते देखते हैं। समय और कार्य का संबंध किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय और उनमें प्रत्येक द्वारा किए गए कार्य की दक्षता से है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए हमारे पास कोई व्यक्ति है एम, ठीक है, उसे कोई कार्य सौंपा गया, डब्ल्यू कार्य सौंपा गया, ठीक है, उसने उस कार्य को टाइम टी में खत्म कर दिया और कितनी इफिशियंसी से किया, ई इफिशियंसी से, यानी उस कार्य को करते समय उसकी दक्षता क्या थी, ई। तो मान लीजिए टाइम एंड वर्क में इन सब चीजों के बीच में रिलेशन फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। टाइम एंड वर्क की मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्कर्स, ठीक है, लेबर पावर, वर्क, टाइम और इफिशियंसी के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कार्य और समय संबंधी समस्याएं आमतौर पर तीन प्रकार के मुद्दों से संबंधित होती है। जो हमारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर हमें तीन प्रकार की चीजें ही पूछते हैं। जैसे पहला है अमाउंट ऑफ वर्क यानी कार्य की मात्रा, दिए गए समय में कितना कार्य पूर्ण होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं टाइम एंड वर्क में, ठीक है। दूसरा क्या है, रिक्वायर्ड टाइम, आवश्यक समय, ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन में कि अगर किसी कार्य को करने में कितना समय लग सकता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, श्रम शक्ति की मात्रा, उस कार्य को कितने लोग मिलकर कर रहे हैं, एक व्यक्ति कर रहा है या समूह कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि नंबर ऑफ वर्कर्स, क्वांटिटी ऑफ वर्क, टाइम रिक्वायर्ड और एफिशिएंसी के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमें टाइम एंड वर्क की मदद से मिल जाता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं कुछ रिलेशंस देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ वर्क एंड टाइम रिक्वायर्ड, कार्य की मात्रा और आवश्यक समय के बीच में संबंध। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास कोई कार्य दिया है और कुछ समय दिया है, अगर हमारे पास कार्य ज्यादा है तो उसमें समय भी ज्यादा लगेगा और अगर हमारे पास कार्य कम है तो उसमें समय भी कम लगेगा। तो इससे क्या हमें पता चला कि द अमाउंट ऑफ वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रिक्वायर्ड, कार्य की मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आवश्यक समय के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द क्वांटिटी ऑफ वर्क, जितने ज्यादा मैन पावर होगी उतना ही ज्यादा हमारा काम होगा, जितने कम लोग होंगे उतना ही कम काम होगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द नंबर ऑफ वर्कर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ वर्क, यानी श्रमिकों की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कार्य की मात्रा के। तीसरा क्या है, रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द टाइम, ठीक है, जितने ज्यादा लोग होंगे, जितनी ज्यादा मैन पावर होगी उतना ही उस कार्य को करने में समय लगेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ मेंबर्स ज्यादा हैं, ग्रुप ऑफ वर्कर ज्यादा हैं, तो उसको उस कार्य को करने में समय भी हमें कम लगेगा, इसीलिए द नंबर ऑफ वर्कर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन द टाइम टेकन एंड द रेट ऑफ वर्क एफिशिएंसी, लगने वाले समय और कार्य की दर दक्षता के बीच में संबंध। इसको कैसे समझेंगे, मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक काम को 20 दिन में किया, ठीक है, तो वही व्यक्ति एक दिन में उस काम को कितना करेगा, ये 1/20 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना ज्यादा कोई व्यक्ति काम को जितने दिन बढ़ाएगा, जितना समय लेगा, उतनी कम उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, इसीलिए जो है टाइम टेकन इक्वल टू 1/rate of work है, या फिर रेट ऑफ वर्क निकालना हो तो 1/time taken हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ कि जितना ज्यादा समय लेगा उतनी ही कम एफिशिएंसी होगी, जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ही कम एफिशिएंसी होगी, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशनशिप देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ वर्क डन, टाइम टेकन एंड रेट ऑफ वर्क, किए गए कार्य की मात्रा, लिया गया समय और कार्य की दर के बीच में संबंध। इनका क्या संबंध है, टोटल वर्क डन इक्वल टू टाइम टेकन इंटू रेट ऑफ वर्क, यानी टोटल वर्क डन इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशियंसी,
इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं और इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें भी ये समय ही है और ये रेट ऑफ वर्क भी दिया है, ठीक है। रेट ऑफ वर्क को दूसरी भाषा में एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। अब हम कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में एज इट इज आ जाते हैं, उन्हें कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे देखेंगे। पहला क्या है, इफ एम वन फिनिश डब्ल्यू वन वर्क इन डी वन डेज वर्किंग टी वन टाइम ईच डे। जो एम वन एक मैन है उसने अपना कार्य डब्ल्यू वन डी वन डेज में खत्म किया और हर दिन कितना काम करता था, टी वन काम करता था। उसी तरह एम टू व्यक्ति अपने काम को डी टू डेज में खत्म कर रहा है और एक दिन प्रत्येक दिन कितना काम करता था, टी टू दिन काम करता। तो उनके बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा, एम वन डी वन टी वन अपॉन डब्ल्यू वन इक्वल टू एम टू डी टू टी टू अपॉन डब्ल्यू टू। ये रिलेशन कैसे आया ये भी देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ वर्कर्स के, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स से, या एक व्यक्ति करे या समूह करे, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो हमारा कार्य है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम रिक्वायर्ड के, जितना उसको समय लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वर्क के। तीसरा क्या है, वर्क इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टी डी, एम इंटू टी इंटू डी, ठीक है। हम ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट अगर हटाए तो हमारे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एम इंटू टी इंटू डी, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट क्या आ गया, एम टी डी अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। तो ये जो रिलेशन आया है ये M1 व्यक्ति के लिए भी है और M2 व्यक्ति के लिए भी, इसीलिए हमारे पास ये रिलेशन जो आया है वो इसी से आया है, ठीक है। इसकी मदद से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइव वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज वर्किंग 8 आवर्स ईच डे, हाउ मेनी वुमेन विल बी नीडेड टू फिनिश द सेम वर्क इन 5 डेज वर्किंग 8 आवर्स ईच डे। पांच महिलाएं प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करके 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकती हैं। कितने दिनों में काम पूरा कर सकती हैं, 10 दिनों में, और प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करके, ठीक है। प्रत्येक दिन 4 घंटे काम करके उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो M1 की क्या वैल्यू हो गई, 5 हो गई, ठीक है। कितने घंटे में पूरा कर लेती है प्रत्येक दिन, T1 जो होगा वो हमारा 8 हो जाएगा और उन्हें दिन कितने लगते हैं, 10। तो D1 की क्या वैल्यू हो गई, 10। W1 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1, क्योंकि हमें एक कार्य को अलग अलग महिलाओं से पूरा करवाना है, ठीक है। तो उसमें जैसे एक कार्य को ही हम फोकस कर रहे हैं तो W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यही वैल्यू हो जाएगी W2 की भी, ठीक है। W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। M2 की क्या वैल्यू हो गई, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। फिर T2 की क्या वैल्यू हो गई, T2 की वैल्यू हो गई 4, 4 घंटे काम करती हैं वो प्रतिदिन, ठीक है। और D1 की क्या वैल्यू हो गई, सॉरी D2 की क्या वैल्यू हो गई, 5, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, M1 की क्या वैल्यू है, 5 इंटू 10 इंटू 8 अपॉन 1 इक्वल टू M2 फाइंड करना है इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 5 इक्वल टू M2। इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 20। तो M2 इक्वल टू 20 मीन्स 20 महिलाएं लगेंगी हमें यह काम 5 दिन में कंप्लीट करने के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इफ ए कंप्लीट्स अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज एंड बी कंप्लीट्स द सेम वर्क इन वाई डेज देन। यदि ए किसी कार्य को एक्स दिन में पूरा करता है, बी वही कार्य को वाई दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, एफिशिएंसी से रिलेटेड है। मान लीजिए ए व्यक्ति है, अपना पूरा काम एक्स दिनों में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर लेगा, 1 अपॉन एक्स,
ठीक है, वो एक दिन में कितना काम कर पाएगा, वन अपॉन एक्स। इसी तरह कोई व्यक्ति बी है, वो वाई दिन में अपना पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम कर पाएगा, वन अपॉन वाई। तो वन अपॉन एक्स और वन अपॉन वाई क्या है, एफिशिएंसी किसकी है, ए और बी की। ठीक है, ये क्या निकल के आई, एफिशिएंसी। तो अगर हमसे पूछा है कि वर्क डन बाय ए एंड बी इन वन डे हो जाए क्या होगा, तो हमें इन दोनों का सम कर देना, इन दोनों की एफिशिएंसी को क्या कर देना, सम, जो कि सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, और अगर हमसे पूछा है टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय ए एंड बी बोथ, तो हम इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि जो रेट ऑफ वर्क होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम टेकन के। ठीक है, तो जो वर्क डन है, जो एफिशिएंसी का सम है, उसी का अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमें टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय ए एंड बी बोथ आ जाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए कैन डू अ वर्क इन 2 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 3 डेज, सी कैन डू द सेम वर्क इन 1 डे, देन टोटल टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। ए को 2 दिन लगता है एक काम को कंप्लीट करने के लिए, एक वर्क कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, बी को 3 डेज लगते हैं, 3 दिन लगते हैं एक कार्य को कंप्लीट करने के लिए, एक कार्य को पूरा करने के लिए 3 दिन लगते हैं, और सी को एक कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लगता है, 1 दिन का। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, ए बी सी द्वारा मिलकर कार्य को पूरा करने में लगा कुल समय। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे हम, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, हम इस पे रख देंगे वैल्यू अपनी, 2 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा, 9, 9 प्लस 2 11, मतलब 6 अपॉन 11। तो 6 अपॉन 11 डेज लगेंगे। ठीक है, ए बी और सी को अगर तीनों साथ में काम को कंप्लीट करते हैं तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इफ ए कैन फिनिश एम एन, इस यहां पर क्या हो जाएगा, एम अपॉन एन पार्ट ऑफ द वर्क इन डी डेज, देन टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क बाय ए क्या हो जाएगा, एन अपॉन एम इंटू डी डेज। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन अपॉन एम इंटू डी डेज, डी डेज। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। रानी कैन फिनिश 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क इन 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज शी विल कंप्लीट द वर्क। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, एन अपॉन एम इंटू डी। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हमें 3 दी है। ठीक है, और एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 दी है। ठीक है, डी की वैल्यू क्या दी है, 30 दी है। तो इसका हम आसानी से आंसर निकाल लेंगे, 3/2 × 30। ठीक है, क्या हो जाएगा, 90/2, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर 45 डेज। ठीक है, तो 2/3 पार्ट वर्क का 30 डेज में कंप्लीट करती है, तो पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगी, 45 डेज में। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इफ ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन एक्स डेज, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन वाई डेज, सी एंड ए कैन डू द सेम वर्क इन जेड डेज, देन टोटल टाइम टेकन व्हेन ए बी एंड सी वर्क टुगेदर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए और बी समय ले रहे हैं एक्स, एक काम कंप्लीट करने के लिए एक्स डेज समय ले रहे हैं, बी और सी अगर मिलके काम कर रहे हैं उसी काम को तो वाई दिन ले रहे हैं, और सी और ए मिलके काम कर रहे हैं तो उसी काम को जेड दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x, बी और सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 1/y, और सी और ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 1/z। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अगर हमें निकालने हैं कि तीनों को एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा, तो क्या फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे, 2/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो आगे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 3 डेज, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 4 डेज,
सी एंड ए कैन डू द सेम वर्क इन 5 डेज, देन द टोटल टाइम टेकन व्हेन ए बी एंड सी वर्क टुगेदर। ठीक है, ए और बी दोनों कितना समय ले रहे हैं, 3 दिन ले रहे हैं एक काम को कंप्लीट करने के लिए। बी और सी कितना समय ले रहे हैं, 4 दिन, और सी और जो ए है वो कितना समय ले रहे हैं, 5 दिन। ठीक है, इसे हम फॉर्मूला में रख देंगे। पहले तो इसी की एफिशिएंसी निकालिए, 1/3। बी और सी की एफिशिएंसी क्या निकल आएगी, 1/4, और सी और ए की एफिशिएंसी क्या निकल आएगी, 1/5। तो हमारे फॉर्मूला क्या है, 2/1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। ठीक है, इसको कैसे आसानी सॉल्व कर सकते हैं, 3 × 3 × 4 × 5/3 × 4 प्लस 4 × 5 प्लस 5 × 3। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 3 = 6 और 6 × 5 = 30, 34 = 120। ठीक है, नेक्स्ट नीचे क्या आ जाएगा, 3 × 4 = 12 प्लस 20 प्लस 15। ठीक है, 120/12 + 20 = 32 और 32 + 15 = 47। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 120/47। तो 120/47 डेज लगेंगे ए बी और सी अगर एक साथ काम करते हैं तो एक काम को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।